जो देख तो नेट नहीं चल रहा, ऊपर से तुम लोग ये कर रहे हो यार। एक बार तो रोको, आराम से रोको यार, खेल में खेलना यार। पता के नहीं चल रहा यार, क्यों अंदर घुस रहे हो तुम यार, गेम खराब कर रहे हो यार। कसम से मोबाइल तोड़ दूंगा गुस्से में मैं आके। बच्चों एक बंदा नहीं मार सकते हो यार, तीन तीन नोक को भी बोलो कुछ नहीं करो। थर्ड 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 कवर 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 यार, यार क्या कर रहे हो यार तुम? अब मेरी गलती है ना, बचाओ कि तुम्हें मैं ड्राइव देता हूँ। चार बंदे नजर आ रहे, तुम उसके घुसा रहे हो इन बंदों के। I'm recalling a teammate. Thanks. Mark the location. तीन बंदे आ गए। चार चार दिखा रहा था, तीन बंदे। बिल्डिंग के टॉप पर। Watch out. आराम से खेलना है, ब्रांड एक ही गन है, वो गाड़ी जा रही। मारना नहीं मारना नहीं मारना। मिशी है ये, मिशी है, चली गई मिशी है यार। इसे मैंने मुलाकात करना है यार। और रिवाइव 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 कि तुम्हारी एमएस आई है, मुझे पता है तुम्हारी एमएस आई है, वीडियो आनी चाहिए थी। इधर ही तुम रिवाइव कर दो, रिवाइव कर दो। बंदे दे दादा, मेरा ही किल था। दादा हेल्प बिठाओ चाचा, फ्रेंड ड्राइव कर। चार स्क्वाड आउट कर दो, चलो मैं मार लेंगे नहीं। हेल्प, ये किसका नेट था? आज ही गया मैं। तू रुक जा, मैं कर के इधर मारा है ना, जाओ पर गाड़ी आई है। और ब्रांड है लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है, मारो उसे। नहीं यार, पीछे फिनिश करना।
We are number one. ये सच बात है कि आज ही कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि हाई एमएस का होना टीममेट्स का सही साथ नहीं देना, जहां पर एक हाईएस्ट केडी बनाने के लिए आपके पास एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, और टीममेट्स जो तीन टीममेट्स हैं उनका अलग अलग किरदार होना चाहिए। एक अच्छा ड्राइवर हो जो आपको एन मौके पे कहाँ से कैसे किल्स निकाले और एनिमी से भी बचाए, और इसके साथ एक ऐसा टीममेट जो आपको फ़ौरन रिवाइव या रिकॉल करे, और एक ऐसा टीममेट जो आपको बंदे ढूंढ ढूंढ के बताए कि भाई इधर आ जाओ, इधर आपको किल्स मिल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ना होने के बावजूद भी एमके की केडी कोई नॉर्मल केडी नहीं है, तो प्लीज़ मेरी केडी को कंपेयर नहीं करना किसी भी दूसरे यूट्यूबर या कॉन्टेंट क्रिएटर के साथ जिसने हाईएस्ट केडी बनाई हो, ठीक है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी केडी है और हमारा काम ही यही है कि एक कंटेंट बना के अपनी आवाम को चस करवाना, लेकिन मैं हूँ कि आपको चस वटा चस करा रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट का सीन आप लोगों ने देख लिया, उस पर मुझे 6 से 7 घंटे लगे प्रॉपर ट्रेलर एडिट करने में, लेकिन जो उसमें आपको चस आई थी अब हमने आपको चस वटा चस करवानी है। मतलब ये है कि जो स्टार्ट से पहला मैच से लेकर 33 मैच, बर्गर बच्चों को बताता चलूँ 33 मैचेस का POV आपका भाई प्रोवाइड करेगा, समझ आ रही है। तो स्टार्ट में हम ज़रा वो क्लचेस और इंटेंस फाइट की तरफ आएंगे, उसके बाद हम फिर सारा POV की तरफ आ जाते हैं। वो गंदा रेंडर है, रेंडर है सामने, गाड़ी हमके मार ले। इस मैच में बैक टू बैक डबल क्लच होने वाला है। ये स्ट्रीमर वाला स्क्वाड था, ठीक है। इनका एक बंदा मैं जैसे गाड़ी से उतारता हूँ ना, ये स्क्वाड रुक गई स्क्वाड हाउस में, ठीक है। अब मेरा नेट का आप सबको पता है भाई, नेट कभी भी हाई हो सकता है, तो मैं सबसे पहले जो है ट्राई करता हूँ नेट्स का, जितने भी नेट्स मिलते हैं ना मैंने ट्राई करने थे। लेकिन इसी दौरान इनका एक बंदा नीचे ही होता है जो कि हमारे एमके ब्रांड साहब को सरप्राइज़ दे देता है। एक नेट मैंने किया, मैं जैसे ही दूसरा नेट करता हूँ ना, इसी दौरान मेरा टीममेट नॉक हो जाता है। अंदर हैवी एक और बस DBS वाला बढ़ गया, इधर ही बैठा है। इस टीम को मारने के बाद जैसे हम जोन की तरफ जाते हैं तो एकदम से टीममेट कॉल देता है कि भाई बिल्कुल हमारे टच एक और स्क्वाड है जो कि हमारा वेट कर रहा है। तो फौरन मैंने कहा भी हम निकलते यहाँ से, ठीक है। आप लोग देख सकते हो हम 4 के 4 अलाइव है, और अब आपको एक ही मिनट में पता चल जाएगा कि 4 बंदे कैसे 16 बंदे पे रुक जाएगा जो कि है MK, ठीक है। ड्राइवर साहब ने गलत गाड़ी रोक दी, बंदे को मैं यहाँ पर नॉक कर देता हूँ, लेकिन मेरी हेल्थ आपके सामने थोड़ी सी कम है। अगला बंदा मुझे अच्छा मार के नॉक कर देता है, लेकिन साथ ही साथ टीममेट कहता है कि भाई अगर आप नॉक हो गए हो तो हम क्यों रुके, हमने भी नॉक होना है। 2 बंदे हम यहाँ पर नॉक हो चुके हैं, तीसरा बंदा हमें रिवाइव कर रहा है, चौथा बंदा आसपास हमारे घूम रहा है। बैक से ये ड्रॉप वाली गाड़ी आती है, डर ये था कि भाई इसने चढ़ जाना है, ना तो इसको आप ट्रेस कर सकते हो ना ही मार सकते हो। तो फौरन मैंने जो है ड्राइव किया और मैंने निकलने की कोशिश की, और साथ ही साथ मेरी वजह से मेरा टीममेट भी नॉक हो गया, ठीक है। 2 बंदे नॉक है, मैं फ़ौरन चला गया क्योंकि मेरे पास हीलिंग्स नहीं थी, यहाँ पर मैंने हेल्थ लगाना था, आई मीन मैं 1 HP था, ठीक है, गलत नहीं समझना। मैं जैसे ही फर्स्ट एड लगाता हूँ ना, इसी दौरान तीसरा बंदा भी नॉक हो जाता है। तीनों बड़े इत्तेफाक से कि भाई अगर नॉक होना है तो तीनों ने होना है, नहीं तो किसी ने भी नॉक नहीं होना, ठीक है। अब 2 बंदे लेफ्ट पे है, 2 इनके राइट पे है, लेकिन इनको मेरी लोकेशन पता नहीं है, राइट वाले को ऑलरेडी मेरे टीममेट से फाइट ले रहे थे पहले नेट से। मैं बंदा जैसे ही पढ़ता हूँ ना, अब यहाँ पर आप लोगों ने लैग चेक करना है कि भाई कितना लैग होता है हमारा डिवाइस। नेट काफ़ी ज़्यादा खुक हुआ, उसका रीज़न ये था कि मेरा लेफ्ट वाले पे पूरा माइंड था कि इसको मैंने कब नॉक करना, क्योंकि ये लोग ओपन में पुश कर रहे थे, ठीक है। मैं कोर मोली करता हूँ ना, और एकदम से मैं लेफ्ट वालों को देखता हूँ, फिर मैंने कहा इसको मैं बाद में लेता हूँ। दूसरे बंदे को मैं जैसे ही नॉक करता हूँ ना, तीसरे बंदे पर इसकी माँ का भाई लैग हुआ, ये तो अच्छा हुआ कि सामने वाला बंदा थोड़ा सा बोर्ड था और इसका एम काम नहीं किया, तो यहाँ पर हमारा 1v4 कम्प्लीट हो जाता है।
अब जो नेक्स्ट फाइट है वो भी दो स्क्वाड से होने वाला है। यहाँ पर दोनों स्क्वाड एक अच्छे स्क्वाड है, एक टिकटॉकर कंटेंट क्रिएटर आप बोल सकते हो, जिनको आप लोग आम खास देखते होंगे, किसी ना किसी की वीडियो में रगड़े जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूरे तीन बंदे एक मेरे कंपाउंड के छत पे और बाकी जो दो बंदे हैं वो सामने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मोल्टोव करके इसका रस्सा ब्लॉक कर लेता हूँ और ये आराम से इसी मोल्टोव में जल जाता है। तो मुझे प्रॉपर तरीके से मौका मिला जो मेरे कंपाउंड के छत पे इसको मैं आराम नाल तसल्ली नाल में नॉक कर सकूं, ठीक है। दो बंदे जैसे ही नॉक होते ना, तीसरा बंदा खार में आके नीचे उतरता है कि भाई जब मेरे दो बंदों को नॉक किया तो मुझे भी नॉक करो, ठीक है। तीन बंदे में जैसे ही नॉक करता हूं तो थर्ड पार्टी देखो कवर लो भाई, भाई फुल गुस्से में लग रहे, सामने वाली टीम मेरे ख्याल से किल्स नहीं है और भाई थर्ड पार्टी का मौका इनको चाहिए था। तो आपके भाई को प्रॉपर मौका मिला हेल्थ लगाने का, ये तो अच्छा हुआ कि मैं नॉक नहीं हुआ, नहीं तो फौरन एक सेकंड भी लेट नहीं होता पुश आ जाता, ठीक है। लेकिन खैर पुश अभी भी आ जाना है भाई, प्रॉपर तीन बंदों का पुश आता है, तीन से चार बंदे आप लोगों ने कलम कापी में नोट करने की मैं कितने बंदों को नॉक करता हूँ। लेकिन उससे सबसे बड़ा मसला ये है कि मेरे टीममेट्स कहते हैं कि अगर हम पहला नॉक ना लें एनिमी से हमें छस नहीं आएगी। और आपके भाई के पास है चार से पांच मोल्टोव, आप देखो भाई मैं किस किस एंगल पे मोल्टोव करता हूँ और पता नहीं कौन सा मोल्टोव किस मौके पे काम आया है। मुझे ये समझ नहीं आता ये बंदा छत पे कैसे गया, ये कौन सा तीर आजमा के ये छत पे गया, ठीक है। मैं नेड कुक करता हूँ ना, लेफ्ट पे बंदा उतरा होता है फौरन मौके पे, ठीक है। मैंने जैसे ही नेड किया ना, अब एकदम से लेफ्ट पे बंदा आएगा। अब इनके दो बंदे नॉक है और गलती से जो मेरा माइक है वो ऑल पे है और ये इनका तीसरा बंदा है जिसको अभी मैं नॉक करूंगा आराम से चिल माहौल में, कोई जज्बाती कोई जल्दबाजी कुछ भी सीन नहीं है, क्योंकि इंटरनेट सही चल रहा है। अगर इंटरनेट सही चलता है तो आपका भाई फुल परफॉर्म करता है, ठीक है। तीन बंदे में जैसे ही नॉक करता हूँ ना, यहाँ पर मसला ये था कि मेरा जो माइक था वो ऑल पे था और जो पहला बंदा नॉक किया था वो रिवाइव हो गया था, तो उसने मौके पे पुश किया और मैं हेल्थ लगा रहा था, इसी दौरान आपका भाई यहाँ पे नॉक हो जाता है। लेकिन फिर भी आप इसको ना 1v3 में गिन सकते हो, क्योंकि जिस बंदे ने मुझे नॉक किया उसको मैंने ऑलरेडी मार लिया था। किल्स कम थे, लोबी काफ़ी तगड़ी थी और यहाँ पर गाड़ी नज़र आ रही थी। अब हमने एज क्लियर करना था क्योंकि लोबी में एक अच्छे यूट्यूबर साहब भी आए हुए थे, हाउ ब्रैंड भैया, ठीक है। उनसे हमारी पहले भी फाइट हुई जो कि आप लोगों ने स्टार्ट में देख लिया, उसकी पूरी टीम को मेरे टीममेट्स मार लेते हैं। और अब मैं ज़रा आपको आगे का सीन दिखाता हूँ, ठीक है। हमारी अभी भी इनसे फाइट नहीं होगी, मतलब सिर्फ मेरी, लेकिन यहाँ पर ज़रा सीन देखो। लॉबी में जितने भी बंदे थे ना वो टोटल यही पर थे, वो लेफ्ट पे मेरे जो स्ट्रेट एक कंपाउंड है वहाँ पर अलग टीम थी, एक गाड़ी आप लोगों ने स्टार्ट में देख ली, एक हाउ ब्रांड की टीम थी और एक ये गाड़ी थी जिनके मैंने दो बंदे नॉक किए और एक टीम सामने है। मतलब जितने भी बंदे हैं वो आस पास है और ये पूरी लॉबी को हम खा के बंदे मार के इस गेम का हम चिकन डिनर कर लेते हैं। टाइम कम है, मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है। अब आप लोग ये बोलूंगे कि चिकन किधर है भाई, चिकन दिखाओ। नहीं भाई, भरोसा करो, जबान पे भरोसा करो भाई, चिकन कर लिया है भाई। अगर नहीं मानते हो तो जाए किसी और से पूछ लो, ठीक है, आप अंदाज़ा भी लगा लो, ठीक है। अब यहाँ पर सामने पूरे चार बंदे हैं और स्प्रेबाजी चेक करो। इनका चौथा बंदा ऑफलाइन था तो उसको हम मार के ये क्लच कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैं आपको जरा सीन समझाता हूँ, ठीक है। ये अच्छा व्यू है और बुरा व्यू मैं इसके बाद दिखाऊंगा। आपने ब्रांड की ड्राइविंग चेक करनी है कि दो बंदे मैंने कैसे उतारे और तीसरे बंदे को भी मैं यहाँ पर नॉक कर देता हूँ, ठीक है। एन मौके पे चौथा बंदा भी ये स्पॉट कर लेता है और फौरन ये चार के चार किल्स 10-15 सेकेंड में हम अपने खाते में दर्ज कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे व्यूज़ मिल रहे और एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है, जैसे कि आप लोगों ने स्टार्ट में थोड़ा सा इमोशनल सीन देख लिए जो मेरे साथ हुआ है। और आप लोगों ने भी बोला होगा कि एमके यार ये सब कुछ बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद जब मेरी केडी 28 और 29 की थी वो आके 22.6 पे रुकी है तो मेरी क्या फीलिंग्स होगी, लेकिन फिर भी मैंने इतनी केडी बनाई, ये भी अपने लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब आप लोगों ने सारे अच्छे व्यूज अभी मैं दिखाऊंगा, लेकिन इसके बाद जो बुरे व्यूज है ना वो भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन उनमें से जो विनर होगा वो है हमारे Q1 चाचा, उसका मैं रीज़न भी बताऊंगा। उस बेचारे को जितनी मैंने सुनाई है, लेकिन उसके साथ उसने जो एक मैच में परफॉर्म किया है ना, आए हाय हाय, क्यों भाई चाचा तो सिगरेट हो। आप लोगों ने देखना है कि भाई रिकॉल ख़त्म होने में कितना टाइम है और कितने सेकंड है, और मैं हमारे जो Q1 चाचा है जो अवेश भाई है उनको मैं क्या बोलता हूँ और वो क्या करते हैं आगे से। ये चिंकी वाले पे जाओ साहब, अवेश भाई जल्दी आओ साहब।
अब आप लोगों ने कॉल सुन ली कि मैंने कहा अवेश भाई जल्दी आओ साथ, क्योंकि रिकॉल पे बैठने का फायदा नहीं है, रिकॉल एंड हो रहा है, हमने साथ खेलना है। ठीक है, हम जैसे ही यहाँ पर रुकते हैं ना, एक पूरा एक अच्छा स्क्वाड था जिसका पहला बंदा मैं जैसे ही नॉक करता हूँ ना, नॉक के साथ मैं दस्ती दस्ती फिनिश दे देता हूँ, क्योंकि हमें किल्स चाहिए थे और ऑलरेडी मेरे किल्स कम थे, पीछे बंदे इतने ज़्यादा नहीं रह गए थे। ठीक है, रिकॉल एंड होने में सिर्फ 20 सेकंड से, इसके बाद रिकॉल नहीं मिलेगा, जो नॉक हुआ वो डायरेक्ट फिनिश। और वहाँ पर मैंने अवेश भाई को बोल दिया कि भाई जल्दी आओ, मैं जैसे ही नेट करता हूँ ना, इस बंदे को मैं नॉक करता हूँ, मैंने ये गलती की, मैंने यहाँ से जंप कर दिया, जंप के साथ आपका भाई फ़ौरन फिनिश हो जाता है। और लेफ्ट पे आप लोग सेकंड्स देख लो कि कितने सेकंड्स रह गए हैं, और सिर्फ एक सेकंड से इसकी माँ का आई लव यू Q1 चाचा ने एक सेकंड पे 0.1 सेकंड पे आपके भाई को रिकॉल किया है भाई भाई। ठीक है, ये मैचेस का वो एंड वाले सीन है। इससे पहले जो अवेश भाई के मैं सारे सीन दिखाऊंगा, Q1 चाचा के जितने भी सीन दिखाऊंगा वो इससे पहले थे। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको चाचा जी के जितनी भी गलतियां आगे दिखाऊंगा वो सब के सब माफ़ है। उसका रीज़न ये है कि Q1 चाचा ने हमें इम्पॉसिबल रिवाइव यहाँ पर दे दिया था। ठीक है, अब आते हैं भाई आगे फाइट की तरफ कि मेरे रिवाइव होने का क्या फ़ायदा हुआ है। मेरे रिवाइव से मतलब कि मेरा रिकॉल होने का, लॉबी में सबको पता चल गया कि MK मर गया है, मतलब इसकी टीम लीव करके चली गई है। ठीक है, लेकिन आपका भाई कैसे इम्पॉसिबल बचा है वो एक प्यारा सा कमेंट Q1 चाचा के लिए। ठीक है, अब इस लॉबी में हाउ ब्रांड है और वो आराम से खेल रहे कि भाई MK की टीम ख़त्म हो गई है और हमने स्ट्रेटजी वगैरह कुछ नहीं आजमाना, और चिल माहौल में पूरी लॉबी को मार के चिकन डिनर करके अपनी KD में इजाफा करना है। लेकिन नहीं भैया, नहीं, आपको पता है जब MK का इंटरनेट प्रॉपर तरीके से 20 MS पे चलता है, लेकिन फिर उसके बाद जब MK की परफॉर्मेंस है ना, वो दुगना से तिगना, तिगना से चुगना और पंजिगना भी हो जाती है। ठीक है, तो हाउ ब्रांड आउट ऑफ सर्कल थे और यहाँ पर मैंने फायर दिया, मतलब कि इस टीम को प्रॉपर तरीके से बेट करने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, सामने बंदे को मैं जैसे ही नॉक करता हूँ ना, इसी दौरान भाई टीममेट्स ने कहा कि भाई लेफ्ट से गाड़ी आ रही है और इस गाड़ी को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फंसा दिया। ठीक है, अब ये दो बंदे हैं, मैं समझ गया था ये यहाँ पर नहीं रुक सकते और इनके जो बाकी बंदे हैं वो लेफ्ट पे जा रहे, तो मैंने चिल्ला चिल्ला के अपने टीममेट से कहा कि तीनों के तीन बंदे मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के लेफ्ट पे फौरन पहुँच जाओ, क्योंकि इनके पास और कोई भी रास्ता नहीं है, ये तो हमारे राइट पे नहीं जा सकते, ये जाएंगे तो लेफ्ट पे जाएंगे। तो सेम हरकत जब टीममेट्स ने अदा किए तो फिर जाके सामने वाली टीम के दुखते हुए घात में आ गया। ठीक है, इसी दौरान आपके भाई ने एक और बंदा भी नॉक किया, मतलब कि प्रेशर ऑलरेडी बढ़ चुका है। वहाँ पर इनकी गाड़ियाँ ब्लॉक है, दो बंदे यहाँ पर जो इनके फंसे हुए और दो बंदे जो लेफ्ट पे थे उनमें से भी एक बंदा आपके भाई ने नॉक कर लिया, मतलब ये टीम प्रॉपर MK के दिमाग से फंस चुकी है। ठीक है, यहाँ से मैंने आगे जाने की थोड़ी सी कोशिश की कि मैं नेड करूँ, फिर जब मैंने देखा कि भाई लेफ्ट पे थोड़ा सा ओपन है, सीन नहीं बनने वाला, तो मैंने ये पोजीशन छोड़ दी और इसी दौरान मेरे टीममेट्स जो इन पे चढ़ाई इन्होंने कर ली थी, तीन के तीन बंदे नॉक थे, लास्ट बंदा रह गया था, उसका भी किल आपके भाई को नसीब नहीं हुआ। लेकिन खैर कोई नहीं, लेकिन उससे बड़ा मसला ये था कि यहाँ पर हमारे किल्स कम थे। अब आप लोगों को मैं सीन बताऊँ ना, ये वो हमारे अच्छी गेम प्ले जो आपको हमने दिखाई है, इससे जो बुरी गेम प्ले वो इसके बाद आपको भाई आपको दिखाएगा। ये कोई और टीम का था, इनका लास्ट बंदा था, उस पर भी टीममेट्स ने चढ़ाई की, लेकिन हरामियों ने मुझे मौका नहीं दिया कि मैं एक एक किल इनसे उठाऊं। मैंने कहा कोई मसला नहीं, इस टीम को मारा, क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर हाउ ब्रांड की टीम थी तो हम आपको किल्स करने नहीं देंगे, हमने प्रॉपर 4v4 की फाइट लेनी है। और सेकंड जो गेम है, मतलब कि स्टार्ट में हमारी लॉबी में आए थे, अभी हमने इनसे चिकन डिनर लिया और दूसरी बार फिर आए तो फिर हमने चिकन डिनर लिया। ठीक है, ये हमारे अच्छे गेम थे। अब हम आपको बताते हैं कि स्टार्ट से लेकर एंड तक क्या क्या हुआ है और मेरे तपने का रीज़न क्या था, यहाँ पर मेरी 20 MS आ रही है। तो मैं आपको सीन बताता हूँ ना कि सुबह के जब 7 बजे आपके भाई ने रैंक शुरू किया तो MS बिल्कुल ठीक था, 2-3 बजे तक हम प्रॉपर खेल रहे थे और KD हमारी 26-27 तक आ चुकी थी। उसके बाद एक टीममेट के पैर पे दर्द था, दूसरे की टुई पे दर्द था, जिसकी वजह से टीममेट्स भी यकिया मार रहे थे। और साथ ही साथ जब टीममेट्स ने बोला कि हम जा रहे या इधर उधर हो रहे, तो इसी दौरान इंटरनेट ने बोला कि भूतनी का तो मुझे कैसे भूल गया, सबसे बड़ी रुकावट तो मैं हूँ आपकी KD ख़राब करने में। ठीक है, आप अंदाज़ा लगाओ, अगर मेरा एक अच्छा इंटरनेट और टीममेट्स मेरा प्रॉपर एंड तक साथ दे तो आपका भाई कितना KD बनाएगा मोबाइल में। यहाँ पर मैं वीडियो को 30 मिनट तक ले जाने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोच लिया कि ऑलरेडी जो सीज़न का पहला दिन था, वो बेचारे मेरे जितने भी टीममेट्स हैं, सबसे पहले मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सिर्फ हेल्प करना नहीं था, एक तो उनकी नींदें ख़राब हुई, मतलब
सुबह 7 बजे मेरे लिए उठे, मतलब मैं इनको क्या फ़ायदा पहुंचा रहा हूँ? कोई ना फेम मिल रहा है मेरी वजह से, ना किसी को फेम मिलता है, ना कुछ मिलता है। मेरे लिए 7 बजे से उठ के रात के 12 बजे तक, 11 बजे तक, 10 बजे तक नॉन स्टॉप मेरे साथ खेले है, ठीक है। और इसी दौरान मेरा इंटरनेट जब हाई हो गया था और मेरे एक दो मैचेस जब ख़राब, आपको पता है जब एक बार इंटरनेट हाई हो जाता है और जिस केडी के बिना पर आप खेल रहे होते हैं, मतलब आपका ये माइंड है कि आपने 30 KD इस बार टच करनी है, और वो जब पॉसिबल हो रही होती है और उसकी वजह से कुछ गलतियाँ, एक दो गलती, इंसान है, गलती हो जाती है, टीममेट गलती कर लेता है, और उसके साथ जब इंटरनेट पूरा ख़राब हो जाता है ना, तो फिर मेरा दिमाग आउट हो गया था। और मैंने एक एक गलती पे इनको इतना सुनाया है, इतना सुनाया है, मैं इनको सॉरी तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं वीडियो में बोल सकता हूँ सबको सॉरी, आई एम सो सॉरी, ठीक है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इसी टीम के साथ, एक अच्छे इंटरनेट के साथ आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के दिखाऊंगा, इसी टीम के साथ। मुझे कोई टीम नहीं चाहिए, ना मुझे बंदे चेंज करने हैं। हालांकि ये लोग बैड परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा करते हैं कि लेट रिवाइव करना और गलत गाड़ी चलाना, ना स्मोक करना, बहुत गलतियाँ करते हैं। इनको मैं सुधारूंगा, इन पर मैं काम करूँगा, और इसी टीम के साथ मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं अभी यही सोच रहा था मेरे माइंड में कि अभी जो जितने भी क्लिप्स है और इन्होंने जो गलतियाँ की वो दिखाऊंगा और थोड़ा सा फ़नी सीन बनाऊंगा, लेकिन नहीं, आज की वीडियो का सीन यही तक रहेगा। बस ये है कि मेरी जान के टोटे थे, मेरे सारे टीममेट्स सब ने मेरी हेल्प की, चाहे वो ब्रांड हो, चाचा हो, हाजी साहब हो, हाजी साहब बड़ा हरामी है, ठीक है, इसको मैं बाद में एक्सपोज करूँगा, हमारे क्लैन का बंदा है। और उसके बाद Q1 क्लोन और Q1 मोइब, जितने भी बंदों ने मेरे साथ हेल्प की है सबका शुक्रिया। और मैंने बहुत ज़्यादा सुनाया है, हत्ता कि मैंने बहुत गालियाँ दी है इनको, दी है इंटरनेट वाले को, दी है, फ़ोन को इतना ज़ोर से मैंने प्रेस किया कि बस मैंने कब फ़ोन टूट गया। गुस्सा आ रहा था ना, आपकी KD एक बार 27-28 हो और आपके 2-3 मैचेस 2-2 किल 3-3 किल नेट की वजह से हो, तो फिर आपको, आप पर क्या गुजरेगी, ठीक है। तो ये सब गलतियां हुई थी, और अब मैं आपको लास्ट में कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा नेड्स के, क्योंकि नेट हाई था तो इस वजह से ना मैंने नेड पे ज़्यादा फोकस किया कि जितने भी नॉक है ना वो मैं नेड से करूं। अगर मैं किसी एनिमी से 1v1 लूँ तो शायद मैं नॉक भी हो सकता हूं, तो रिस्क लेने वाला सीन नहीं था। तो एक छोटा सा ट्रेलर आप लोग देख लो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करो, और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। कम अज़ कम इस वीडियो पर मुझे तो 50K व्यूज़ चाहिए यार, 50K तो डिज़र्व करता हूँ या ये भी नहीं करता डिज़र्व। तो फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। सर में मोदी करते हुए ऊपर आएगा, चलाएगा तो हम क्या जाए? मार यार, एमके कोई स्किल चोरी कर ले तो नेट से जी। फिर माली ला मैं जा If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. So cold outside, I'm alone. I'm all right. Nahi jao na. Ye four bhi hai na. I'm alone. Jaldi jaldi kar, maar nahi posdi ki.
मेरे यार एक गोली मारने।